हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है कानपुर मेट्रो सिटी से। तो गाइस, मेरे साथ जा रहे हैं मेरे फ्रेंड्स एंड हम आज जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी है हमारी, विश्वविद्यालय, तो वहाँ जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आएगा, वीडियो किसकी मत करना। एंड आज आप लोगों को विजिट कराते हैं छत्रपति साहू यूनिवर्सिटी से। तो काफ़ी मस्त लगेगा ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं विश्वविद्यालय, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय के नाम से है। और ये रहा इधर अपना छत्रपति साहू जी। सो गाइस, अंदर का एरिया देखो काफ़ी मस्त है यार, चारों तरफ एकदम देखो कितना मस्त अमेजिंग लग रहा है। और इधर ये पार्किंग है और इधर मेन गेट आगे है। ये तो मेन गेट था और कॉलेज का गेट है ना, वो बहुत आगे है अभी। सो गाइस, ये देखो सच छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है। सो गाइस, ये देखो ध्वज झंडा लगा हुआ है इंडिया का, काफ़ी ऊंचा है भाई, देखो कितना ऊंचा है। सो गाइस, हम लोगों को घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड इधर है ये पार्क जो कि अभी आप लोगों को दिखाई थी, और इधर मेन रोड है। हम लोग कॉलेज तरफ जा रहे हैं गेट पर, और चलते हैं अंदर, अंदर भी देखते हैं अभी। सो गाइस, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनल आर्ट, मतलब यहाँ पर पूरा आर्ट बनते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो बोर्ड पर। ये जो पिलर हैं खंभे, इन पे भी आर्ट बना हुआ है। फेमस आर्टिस्ट हैं जो सबकी मूर्ति यानी स्टैचू लगी हुई है, और अंदर भी है तो वगैरह सब कुछ है अंदर, दिखाते हैं अभी आप लोगों को। काफ़ी मस्त है यार। सो गाइस, ये रही तोप, और इधर भी आर्ट वगैरह बने हुए हैं, देखो पूरा कितना मस्त लग रहा है। ये मगरमच्छ बना हुआ है, इधर ये अजगर है, और हाथी भी बना हुआ है, वो काफ़ी मस्त लग रहा है। तो पोप सब कुछ है यहाँ पर। और इधर ये इंस्टीट्यूट है पूरा, मतलब आर्ट का। और इधर ये ऑडिटोरियम है, मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह होता है, इसी हॉल में होता है, काफ़ी बड़ा हॉल है ये। इस तोप को बच्चों ने ही बनाया है, मतलब पूरा डिज़ाइन किया है बच्चों ने, वेल्डिंग शॉप में बनाकर पूरा इसी इस तोप को बच्चों ने ही बनाया। ये रहा मगरमच्छ, कितना भाई बड़ा बना है, देखो आप लोग, बहुत ही बड़ा है। उधर कछुआ है, ये रहा इधर हाथी, बहुत बड़ा हाथी बना हुआ है, पूरा मेटल का है, काफ़ी मस्त है यार, देखो पूरा कितना भाई हाई इंजीनियरिंग का यूज़ किया गया है पूरा, देखो कितना मस्त है। इसके अंदर भी बैठ सकते आप लोग, काफ़ी बड़ा है यार। और ये देखो आर्ट बने हुए हैं, ये सब टोटल बहुत आर्ट्स बने हुए हैं यार। जब आर्ट्स का पूरा देखो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट लिखा हुआ है ना, पूरा आर्ट का ही है। इस तरफ देखो ये कितना मस्त बना हुआ है यार। इधर ये गिटार बना हुआ है, पूरा मेटल का है, मतलब रखा हुआ है इस पर, देखो। यह है इंटरनेशनल सेंटर, पूरा देखो गेट से काफ़ी ख़तरनाक लगता है भाई, मस्त लगता है यार। और इस तरफ ये है मेन गेट, बहुत ही दूर है, 1.5 किलोमीटर है, इतना पैदल चल के आए हुए हैं अंदर हम, और पैदल ही जाना पड़ेगा। सो गाइस, कैंपस के अंदर मंदिर भी बना हुआ है, श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर नाम है इसका। और चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग नहीं केवल हम हैं, वो लोग तो क्लास ले रहे हैं अपनी, और उनका आज लैब है शायद, तो लैब ले रहे हैं ना, तो हम अकेले ही घूम रहे हैं सारा। ये है मंदिर, काफ़ी मस्त है यार, कैंपस में मंदिर होना बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यार। बहुत ही अच्छा बना हुआ है मंदिर भी, और पार्क भी पूरा बना है, देखो काफ़ी मस्त है। सो गाइस, यहाँ नमस्ते इंडिया की आइसक्रीम भी मिलती है, चलो एक आइसक्रीम खाते हैं। ये रही अपनी आइसक्रीम, नमस्ते इंडिया। सो गाइस, ये रही अपनी आइसक्रीम, खाते हैं इसे। सो गाइस, कैंपस के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। अब हम जा रहे हैं फार्मेसी वाले डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जो कि ये गली गई हुई है, चलो चलते हैं, देखते हैं भाई कैसा लगता है। पहली बार आया हूँ इसी यूनिवर्सिटी में, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कानपुर की,
कानपुर की क्या यार मानी हुई यूनिवर्सिटी है, काफ़ी मस्त लग रहा है। ये सब देन है हमारे, ये सब पॉसिबल हुआ है रिशु की वजह से, जिसकी वजह से हम यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। कैंपस के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी खतरनाक भी आ रहा है। देखो आप लोग, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। इधर ये रिशु खड़ा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। सो गाइस ये देखो अंदर का नज़ारा, काफ़ी मस्त है। सो गाइस अब हम लोग नीचे आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख रहे हो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइस ये है पार्क पूरा टोटल, और इस तरफ जा रहे हैं ये। सो गाइस आप लोग देखो पापा की परियों की ढेर, यानी लाइन लगी हुई है यहाँ पर चारों तरफ, पूरी पापा की परियां नजर आ रही हैं। सो गाइस ये है लाइब्रेरी, यहाँ की बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें हर प्रकार की बुक हैं, जैसी आप चाहो वैसी मिलेगी, बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है ये। सो गाइस आप चलते हैं घर और ब्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। तो वो रहा मेन गेट, और वहीं से करते हैं पास आउट, फिर निकलते हैं घर के लिए। लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।